हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्टोग्राफी IAS, अ रेवोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन, एंड आई एम नितिश भारद्वाज डीलिंग विद मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि बच्चों, आप लोगों ने पुरानी क्लास में बंगाल विजय को पढ़ा होगा, और बंगाल विजय में आपने पाया होगा कि ये युद्ध जो प्लासी के और दूसरे जो युद्ध बक्सर के लड़े जा रहे थे, इन युद्धों का कोई प्रमाण नहीं था, कोई बेस नहीं था। परंतु उसके बावजूद भी, हालांकि बक्सर का मिलता है बेस, लेकिन उसके बावजूद भी प्लासी के युद्ध का कोई आधार नहीं होने के बावजूद अंग्रेजों ने उस आधार को पैदा किया। और अंग्रेजों ने जैसे ही उस आधार को पैदा किया तो वहां पर उस राजा को परेशान करना शुरू किया एवं आक्रमण करने शुरू किए, संघर्ष वहां पर उत्पन्न हुए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि अंग्रेजों की नीति यह है कि राजा को संघर्ष में उलझाओ रखो, और उलझाने के बाद उस पर आक्रमण करके वहां के कुछ अधिकार अपने हिस्से में कर लो। ये केवल बंगाल पर नहीं रुके, बंगाल के अपितु ये आगे भी बढ़ते चले गए। अब क्योंकि बंगाल आपके लिए बड़ा प्रमुख हिस्सा रहता है, क्योंकि बंगाल को मैंने आपको बताया कि ये क्यों जाना चाह रहे थे वहां पर, तो एक तो 75% व्यापार था वहां पर पूरा का पूरा। दूसरा, आपने जब बक्सर का युद्ध गौर फरमाया होगा तो आपने पाया होगा कि वहां शाह आलम द्वितीय जो था वो हमारा बादशाह था, मुगलों में था। तो शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में हार गए। अभी तक आपने देखा कि नवाब हार रहा था, जैसे सिराजुद्दौला हारा, मीर जाफर, मीर कासिम, ये नवाब जो है अंग्रेजों के अंडर में जा रहे हैं, लेकिन बक्सर के युद्ध में बादशाह को भी संधि के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब इसका मतलब ये रहा कि अंग्रेजों की भारत में सामरिक शक्ति मजबूत हुई है, ना कि उसमें गिरावट आई है। दूसरी कंपनियों को अगर मैं देखूं तो दूसरी कंपनियों का वर्चस्व पहले ही भारत में समाप्त हो चुका था, और अब वर्चस्व समाप्त होने के बाद दूसरे नवाबों के बाद बादशाह की बारी आई थी, और मात्र एक कंपनी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने वर्चस्व को बढ़ाते चले जा रही थी। और इन्हीं का परिणाम आगे ये निकला कि अंग्रेजों ने केवल बंगाल को नहीं बल्कि मैसूर को भी जीता, और साथ ही साथ में ये मराठाओं पर भी अपना वर्चस्व जमाएंगे, और आगे चलकर पंजाब और सिंध पर भी अपना वर्चस्व जमाएंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैसूर और इन्होंने मराठाओं पर अपने वर्चस्व को जमाए रखा, तथा यहां पर कौन कौन से युद्ध हुए, और इन युद्धों के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये तो था आपका बेसिक कि किस प्रकार से यहां पर इनका उत्पन्न हुआ। तो आप लोगों को यह पता चला कि अगर हम मैसूर की विजय पढ़ने वाले हैं तो मैसूर की विजय हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों बंगाल में अंग्रेजों के हौसले अत्यंत बुलंद थे। बंगाल की विजय के बाद अंग्रेजों के हौसले अत्यंत बुलंद थे, इस वजह से अंग्रेजों को लगा कि अब हमको मैसूर को भी जीतना चाहिए, क्योंकि ये भी अंग्रेजों की विजय में रोड़ा अटका सकते हैं। अब यहां पर मैसूर की विजय की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, यहां पर मैसूर एक समृद्ध राज्य था। यहां का एक नवाब था, राजा था, जिसका नाम था, हालांकि स्वतंत्र था, जिसका नाम था हैदर अली। ये हैदर अली पराक्रमी भी था, दूरदर्शी भी था, और साथ ही साथ में इसकी सेना भी संगठित थी। ठीक है, यहां पर हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ अत्यंत लोहा लिया है, बढ़िया से काम किया है। इस कड़ी में हम देखें तो चार युद्ध हमको देखने को मिलते हैं, इसमें आपको हैदर अली टीपू सुल्तान का नाम देखने को मिलेगा। प्रथम जो युद्ध हुआ वो 1768 से 1769 के बीच में हुआ, तो मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। यहां पर यह प्रथम युद्ध लड़ा जा रहा है जो आंग्ल यानी अंग्रेजों और मैसूर के बीच में हो रहा है, 1768 से 1769 के बीच में। अब इस युद्ध के बारे में पूरी चर्चा करते हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ।
क्या नहीं हुआ, किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है, देखिए सुनिए। सबसे पहले ऐसा हुआ कि यहाँ पर आपको तीन हिस्सेदारियाँ मिलेंगी, बेसिकली चार मिलेंगी। एक तो हैदराबाद का निजाम या नवाब, एक मराठा हैदर अली और ये ब्रिटिश। ये आपकी कहानी जो है इस युद्ध की या फिर और युद्धों की जो मैसूर में लड़े गए हैं, कहीं इन चारों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। अब समझते हैं कि क्या हुआ इस समय पर। सबसे पहले जो हैदराबाद का निजाम था, हालांकि हैदराबाद जब प्रांत आज़ाद हुआ भारत से तो उसके बाद उस समय इसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, प्रांत ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था, इन दोनों से तो काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन यहाँ का जो नवाब था एक नंबर का नालायक और बेकार नवाब था। इसने कोई भी दूरदर्शिता वाले गुण नहीं थे। साथ ही साथ में इस युद्ध का पैगाम सबसे पहले कौन लेकर आया, तो हैदराबाद का नवाब लेकर आया। और इसके साथ हुआ क्या, इसने ब्रिटिशों के साथ सबसे पहले संधि की और संधि करने के बाद अपना उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिशों को देने को कहा। अब ब्रिटिश कुछ रह रहे हैं तो किसी के बदले तो दे रहा होगा, तो यहाँ पर हैदराबाद के नवाब ने ब्रिटिशों से ये सहमति बना ली कि मैं आपको अपना थोड़ा सा क्षेत्र दे रहा हूँ, परंतु उसके बदले आप क्या काम करोगे कि जब भी मेरे ऊपर हैदर अली आक्रमण करेगा तो उसके आक्रमण से रक्षा मेरी आप करोगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हैदर अली के अगर आक्रमण करता है हैदराबाद के नवाब पर तो हैदराबाद की रक्षा यानी कि डिफेंडर के रूप में कौन खड़ा होगा, तो अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश खड़े होंगे। सही, ऐसा यहाँ पर हो रहा था। कुछ ही समय बाद यहाँ पर मराठा और हैदर अली के बीच में युद्ध शुरू हुए, संघर्ष शुरू हुए। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि ये हिस्सा जो है, ये समय जो है अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हैदर अली की आधी शक्ति मराठाओं के साथ संघर्ष में लगी हुई है। अगर इसी समय हम लोग हमला करते हैं तो हैदर अली अपनी पूरी शक्ति के साथ नहीं बल्कि आधी शक्ति के साथ ही हमारे ऊपर आक्रमण कर सकेगा, ऐसा ये विचार कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के साथ दिक्कत एक और है, अंग्रेजों को अपना स्टेटस भी मेंटेन रखना होता था कि अंग्रेज सीधा आक्रमण नहीं कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने एक नीति बनाई और इस नीति के तहत अंग्रेजों ने क्या कहा, हैदराबाद के नवाब को यहां पर उकसा लिया कि आप किसके ऊपर हमला कर दो, तो हैदर अली अर्थात मैसूर के राजा के ऊपर हमला कर दो। ठीक है, यहां पर हैदराबाद का निजाम नवाब तैयार हुआ और इसने, हैदराबाद के निजाम ने मैसूर के ऊपर हमला करने की योजना को बना लिया। अब भैया ऐसी बातें छिपाए तो छिपती नहीं है, ये बात सीधी पता चली किसको, तो हैदर अली को। ठीक है, अब हैदर अली को जैसे ये बात पता चली तो हैदर अली ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, पहले इन ब्रिटिशर्स को ही मजा चखाया जाए, क्योंकि ये मेरे ऊपर आक्रमण करना चाह रहे हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए, मैं ही इनके ऊपर आक्रमण कर दूं पहले। तो यहां पर हैदर अली ने मराठाओं के साथ संधि कर ली, प्लस हैदराबाद के नवाब के साथ भी इन्होंने संबंध संधि कर ली, ट्रीटी कर ली इन्होंने। ठीक है, ये मोहम्मद अली के द्वारा संधि पॉसिबल हो पाई थी। अब यहां पर त्रिगुट बन गया था, ट्रायो यहां पर मिल गए हैं। ट्रायो में कौन कौन है, तो एक हैदर अली है, दूसरे मराठा है और तीसरे हैदराबाद का नवाब है। अब यहां पर हैदर अली ने मराठाओं से यह संधि करते हुए कहा कि जब भी मैं ब्रिटिश या उसके साम्राज्य के अधीन किसी भी राज्य पर हमला करूंगा तो बस आप शांत रहना, मतलब मेरे ऊपर आक्रमण मत करना। ठीक है, यहां पर इतनी सी की संधि हुई, हैदराबाद के नवाब के साथ इसकी संधि हुई कि क्यों ना ऐसा किया जाए, अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाला जाए और पूरे क्षेत्र पर हम दोनों का शासन चलेगा। ठीक है, यहां पर कुछ ये संधियां आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। अब उसके बाद क्या हुआ भैया, जब यहाँ पर ये ट्रायो हो गया, उसमें से मराठा तो केवल साइलेंटली ये अपना रोल निभा रहे थे क्योंकि चुपचाप बैठे हुए थे, इन्हें हैदर अली के ऊपर आक्रमण नहीं करना था उसी समय। ठीक है, लेकिन आप लोग सभी जानते हो
इसी समय कर्नाटक, कर्नाटक की युद्ध देख कर आए थे आप लोग, और कर्नाटक के युद्ध अगर आपने देखे होंगे तो अंततः उसमें फ्रांसीसियों को अपना हिस्सा छोड़ना पड़ा, और फ्रांसीसियों की जगह पर कर्नाटक में जो नवाब बना वो किसका बना, तो ब्रिटिशर्स के अधीन बना। अब ब्रिटिशर्स के अधीन बना है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कर्नाटक का जो नवाब होगा वो ब्रिटिशर्स के अधीन कार्य करता होगा। हैदर अली ने इसी बात का फायदा उठाया और हैदर अली ने आक्रमण कर दिया, कहां पर, तो कर्नाटक पर। ठीक है, हैदर अली ने जैसे ही कर्नाटक पर आक्रमण किया तो हैदर अली ने इसका मतलब सीधा सीधा अंग्रेजों से दुश्मनी मोल ले ली है। तो इसलिए बच्चों 1767 में यहां पर अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स तथा दूसरी तरफ यहां पर थे निजाम हैदराबाद का तथा हैदर अली। यहां पर युद्ध हुआ और 1767 में यहां पर अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए तथा हैदराबाद का निजाम और हैदर अली दोनों परास्त हो गए। अब क्यों हार गए ये दोनों मिलने के बावजूद भी? इसलिए हार गए क्योंकि इन दोनों की सोच आपस में मेल नहीं खाती है। इसलिए दोनों आपस में कभी यहां पर ट्रायो नहीं बना पाए, क्योंकि इनकी सेनाओं ने कभी आपस में एक दूसरे के साथ अभ्यास नहीं किए थे, इनकी कोई भी आपस में सहमति नहीं बनी हुई थी। इस वजह से यहां पर हैदर अली की सेना हार गई। अब जैसे ही हैदर अली की सेना हारी तो निजाम जो है या नवाब जो हैदराबाद का है, इसको लगने लगा कि यार ये तो हैदर अली तो कमजोर है, और हैदर अली कमजोर है तो मैं कमजोर के पक्ष में क्यों रहूं, मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं बढ़िया यानी कि ताकतवर राज्य के पक्ष में चला जाऊं। तो यहां पर हैदराबाद के नवाब ने जो ये पूरा का पूरा आप सिनेरियो देख रहे हैं, इस सिनेरियो का फायदा उठाते हुए हैदराबाद के नवाब ने एक बार फिर से अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अब जैसे ही इसने अंग्रेजों के साथ संधि की तो मैसूर का जो राजा था यानी कि जो हैदर अली था, ये इसके साथ अत्यंत कटुतापूर्ण व्यवहार करने लगा, अर्थात इसको बड़ा गुस्सा आया। और हैदराबाद के नवाब हैदर अली ने एक बार अपनी फिर से सेना को तैयार किया, और सेना को तैयार करके मंगलोर के पास, ये बेसिकली बंबई से आई थी, प्रशिक्षित सेना थी, एकदम ट्रेंड ब्रिटिश आर्मी थी। यहां पर बंबई से आई हुई ट्रेंड ब्रिटिश आर्मी को मंगलोर के निकट यहां पर हैदर अली ने हरा दिया। अब जैसे ही हैदर अली ने हराया, इसका मतलब युद्ध प्रारंभ हो चला है, और कब हो चला है, तो यहां पर 1768 में। इसके बाद यहां पर हैदर अली ने कभी अपना वर्चस्व कम नहीं होने दिया और अंग्रेजों को इतनी बुरी तरीके से हराया कि अंग्रेज मद्रास तक सिमट कर रह गए बस। यानी यहां पर कहां तक रह गए, मद्रास तक। अब क्योंकि अंग्रेज देख रहे थे कि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो दक्षिण में अर्थात दक्षिण में यहां पर अंग्रेजों का अभाव हो जाएगा, जितना भी आज तक वर्चस्व जमाया है वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए हैदर अली को रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ 1769 में एक संधि कर ली, जिसको हम द ट्रीटी ऑफ मद्रास या मद्रास की हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 1769 तक हुआ। यहां पर एक सिनेरियो बना और इस युद्ध का अंतिम चरण के रूप में मद्रास की संधि हुई। यहां पर जो मद्रास की संधि हुई 1769 में मद्रास की संधि, इस संधि में क्या निकला, तो क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि यहां पर हैदर अली एक अच्छी स्टैंडिंग पोजीशन में है, परंतु ब्रिटिश यहां पर हारी हुई स्थिति में है। इसलिए हैदर अली ने इस मद्रास की संधि का फायदा तो उठाया, परंतु हैदर अली इतना फायदा नहीं उठा पाया जितना कि वो उठा सकता था। हैदर अली ने मद्रास की संधि में यह संधि की कि आज के बाद अगर मराठाओं ने मेरे ऊपर यानी हैदर अली के ऊपर अगर आक्रमण किया
या मैसूर के ऊपर आक्रमण किया तो हैदर अली अर्थात मैसूर को अंग्रेजी सहायता यानी कि ब्रिटिश आर्मी की मदद मिलेगी। पहली संधि में ट्रीटी में ये कंडीशन थी। दूसरा यहाँ पर कि हैदर अली को यहाँ पर जितना भी खर्चा हुआ है फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ने में वो सारा का सारा खर्चा कौन वहन करेगा अर्थात कौन देगा, तो ब्रिटिश देंगे। अर्थात जितना भी यहाँ पर खर्च हुआ इस युद्ध में वो सारा का सारा किसके जिम्मे पड़ गया, ब्रिटिशर्स के जिम्मे पड़ गया। अब यहाँ पर ये दो बातों मुख्यतः दो बातों के रूप में यहाँ पर ये सहमति बनी। तो आप लोगों को याद करना है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध 1768 से 1769 हुआ, मद्रास की यहाँ पर संधि हुई, उसके बाद इस संधि में दो बातें कही गई। ये पूरा का पूरा सिनेरियो बनता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध का। अब आगे चलते हैं। हालांकि ये जो मद्रास की संधि देखी जाए तो ये एक विराम ही था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस विराम को समझोगे तो आगे चलकर तो 80 के दशक में यानी कि 1780 के आसपास यहाँ पर युद्ध होगा। ये थोड़ा लंबा चलेगा अगला युद्ध। ये तो था फर्स्ट। अब आते हम लोग सेकंड पे। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। अब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 के बीच में। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं यहां पर इसकी किस प्रकार से रूपरेखा बनी, हम इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हो तो आप लोगों को इस युद्ध का प्रारंभ याद करना पड़ेगा, और इस युद्ध के प्रारंभ के लिए आप लोग जानते हो कि पीछे मद्रास की संधि हो चली थी, और मद्रास की जब संधि हो चली थी तो यहाँ पर इस मद्रास की संधि में सीधा सीधा कहा गया था कि अगर मराठाओं में से या हैदराबाद के निजाम या फिर मैसूर के किसी दुश्मन राज्य ने अगर मैसूर पर हमला किया तो मैसूर को ब्रिटिश आर्मी की मदद मिलेगी। इस मद्रास की संधि में यहाँ पर कहा गया था, इसी समय मैसूर के ऊपर मराठाओं ने आक्रमण कर दिया। अब यहां पर मैसूर के ऊपर मराठाओं द्वारा आक्रमण कर दिया गया है। ठीक है, जब मैसूर के ऊपर मराठाओं द्वारा आक्रमण किया गया तो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ मद्रास, तो मद्रास की संधि के अनुसार जो 1769 में घटित हो रही थी उसके अनुसार अंग्रेजों को मैसूर राज्य की मदद करनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर अंग्रेजों ने इसमें कोई भी हिस्सेदारी या दिलचस्पी नहीं दिखाई तथा यहाँ पर मैसूर राज्य की मदद नहीं की। अब यहाँ पर संधि का उल्लंघन हो गया है। अब संधि का उल्लंघन तो छोड़िए, यहाँ पर मार्च 1773 में ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया, हालांकि ये मद्रास के ऊपर सीधा नहीं जा रहा था, मैसूर के ऊपर सीधा नहीं जा रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या काम किया, मार्च 1773 पर फ्रांस की एक कॉलोनी थी माहे में, यहां पर अपना अधिकार जमा लिया। और फ्रांस की कॉलोनी माहे में और मैसूर राज्य में पड़ती है, यहां पर ये अपना वर्चस्व जमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये निकला कि सीधा सीधा 1773 में अंग्रेजों ने बता दिया कि हम लोग मैसूर से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। अब जाहिर सी बात है हैदर अली को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हैदर अली ने क्या काम किया, 1780 में आक्रमण कर दिया अंग्रेजों के ऊपर। अब जब 1780 में हैदर अली ने आक्रमण कर दिया है अंग्रेजों के ऊपर तो वहीं से ही प्रारंभ हो गया सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसने क्या काम किया, फिर से वही सिनेरियो गढ़ा गया, क्योंकि कर्नाटक जो है वो अंग्रेजों का मित्र राज्य है, फ्रेंडली जोन है ये कर्नाटक अंग्रेजों के लिए। तो इसने क्या काम किया, जुलाई 1780 में
मैसूर ने कर्नाटक पर हमला कर दिया। अब कर्नाटक पर हमला कर दिया है, इसका मतलब अंग्रेजों से सीधा सीधा आक्रमण करने की गुजारिश कर रहा है। अब यहां पर एक तरफ से जनरल बेली आए तथा दूसरी तरफ से यहां पर मैसूर से हैदर अली आया। जनरल बेली और इधर से हैदर अली। इससे पहले हैदर अली ने क्या काम किया हुआ था? हैदर अली ने मराठाओं से प्लस हैदराबाद के निजाम से यहां पर फिर से संधि कर ली थी, अर्थात त्रिगुट बना लिया था, ठीक है, ट्रायो बन गया था यहां पर। और उसके बाद हैदर अली ने कर्नाटक पर हमला किया जुलाई 1780 में। उधर से यहां पर इसकी मदद करने के लिए जनरल बेली को भेजा गया, अर्थात अंग्रेज था ये भी, और इधर से हैदर अली गए। हैदर अली ने जनरल बेली को बुरी तरह से परास्त किया तथा परास्त करने के बाद इन्होंने कर्नाटक की राजधानी आर्कटक पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, अब यहां तक ये निकला कि अंग्रेज इस युद्ध में भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं, अर्थात अंग्रेज इस युद्ध में भी हार की कगार पर खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर अंग्रेजों के लिए एक नई होप बनकर आया, मैं तो कहूंगा उनका एक नया विश्वास था, जिसका नाम था, बच्चों यहां पर आप लोगों को अपने नाम भी सुना होगा, गवर्नर जनरल में उसका नाम भी आएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग्स बच्चों यहां पर एक नई होप बनकर आएंगे। अब आइए वारेन हेस्टिंग्स की चाल को समझते हैं। अब वारेन हेस्टिंग्स ने देखा, वारेन हेस्टिंग्स ने देखा कि मैसूर ने मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ संधि की हुई है, इसलिए मैसूर आपको अधिक ताकतवर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर दक्खन के सिनेरियो को देखें तो एक तो कर्नाटक मराठा निजाम और मैसूर से मिलकर बनता था दक्षिण भारत, बेसिकली बहुत बड़ी इनके पास निजामत हो जाती थी। अगर आप यहां पर इनको देखने की कोशिश करोगे तो पाओगे कि कर्नाटक को छोड़कर निजाम मराठा और मैसूर एक साथ मिले हुए हैं, कर्नाटक अलग हुआ हुआ है, इसलिए दक्षिण भारत में ये जो ट्रायो है ये अधिक मजबूत दिख रहा है। वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले इसी ट्रायो पर कड़ी नजर जमाई तथा अपना हथौड़ा चलाया और वारेन हेस्टिंग्स ने मराठाओं को और निजाम दोनों को मैसूर से अलग कर दिया। अब जब ये जैसे ये मराठा और निजाम मैसूर से अलग हुए तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि अंग्रेजों की पावर ज्यादा हो गई और मैसूर की पावर कम हो गई। और अंग्रेजों की पावर जैसे ही ज्यादा हुई तो यहां पर अंग्रेज और मैसूर यानी हैदर अली के बीच में फिर से यहां पर संघर्ष की नीति चल पड़ी और हैदर अली ने एक बार फिर से उत्साह दिखाते हुए सितंबर 1782 में एयरकूट को हरा दिया। हालांकि सितंबर 1782 में एयरकूट को जरूर हरा रहा है, लेकिन यहां पर हैदर अली का भी कम नुकसान नहीं हुआ था। हैदर अली ने यहाँ पर सितंबर 1782 में एयरकूट को हराया तथा उसके बाद 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब जब हैदर अली की मृत्यु हो गई है तो यहाँ पर हैदर अली का उत्तराधिकारी बनेगा बच्चों टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान हैदर अली के उत्तराधिकारी जैसे बना तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैसूर राज्य भी आगे युद्ध लड़ने की कंडीशन में नहीं है तथा अंग्रेज भी यहां पर आगे युद्ध लड़ने की कंडीशन में नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों ने इनके टीपू सुल्तान और वारेन हेस्टिंग्स अर्थात अंग्रेजों दोनों पक्षों ने यहां पर यह सही समझा कि यहां पर हमको संधि कर लेनी चाहिए, इसलिए यहां पर एक संधि हुई जिसका नाम हम देते हैं मंगलोर की संधि 1784 मार्च में। मार्च 1784 द ट्रीटी ऑफ मंगलोर, मंगलोर की संधि। इस मंगलोर की संधि में यह डिसाइड किया गया कि
आज के बाद यहाँ पर हमने जितने भी एक दूसरे के राज्य जीते हैं वो राज्य एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे तथा शांति की नीति को अपनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी राज्य, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नाटक के अर्कुट को यहाँ पर हैदर अली ने जीता था, ये सब के सब हैदर अली या तो टीपू सुल्तान उसके पुत्र ने अंग्रेजों को वापस किए, तथा यहाँ पर जितने भी एरिया मैसूर के अंग्रेजों ने जीते थे वो भी टीपू सुल्तान को वापस कर दिए गए। यहाँ पर इस मंगलोर की संधि का ये परिणाम निकला, या फिर मैं कहूँ आप लोगों को कि सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध 1780-1784 तक चला, उसका मुख्य परिणाम क्या निकला, तो उसका मुख्य परिणाम मंगलोर की संधि निकला, और इस संधि में इस प्रकार के वक्तव्य को कहा गया या फिर गढ़ा गया। अब इस संधि से देखते हैं कितनी देर तक शांति रह पाती है। अब यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध किस प्रकार घटित हो रहा है तथा वहां पर क्या घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एंग्लो मैसूर युद्धों को देख लें, उसके बाद हम लोग टीपू सुल्तान की चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आपके सामने उभर कर आया, टीपू सुल्तान। आपने इनका नाम भी जरूर सुना ही होगा। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को देखा जाए तो हालांकि यहाँ पर ये युद्ध में भी काफ़ी कोई ज़्यादा गैप नहीं मिलता, क्योंकि ये युद्ध 1790 से 1792 तक होता है। इस युद्ध को हम लोग जब समझते हैं तो प्रथम युद्ध के भांति हम समझ सकते हैं, बस हैदर अली की जगह आप लोग टीपू को रख दीजिए। यहाँ पर अंग्रेजों ने हैदराबाद के निज़ाम को फिर से उकसाया कि आप टीपू पर आक्रमण कर दीजिए, और यहाँ पर जब आक्रमण करने की बारी आएगी तो टीपू ने दोबारा से यहाँ पर ट्राई अर्थात हैदराबाद मराठा से संधि की, और संधि करने के बाद अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब ये निकला कि अंग्रेज फिर से उकसा रहे हैं यहाँ पर इस युद्ध के लिए कि आप युद्ध करो। ठीक है, यहाँ पर लेकिन जब इस युद्ध को समझा जाता है तो इस युद्ध को मैं तीन हिस्सों में तोड़ लेता हूँ। एक तो एक आपको ये हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, अब से सब आ जाएंगे। यहाँ पर जब इस युद्ध को समझना होता है तो हम लोग इसको तीन हिस्सों में तोड़ लेते हैं। पहला जनरल मीडो कॉर्नवालिस, मीडो स्टुअर्ट लीटर हंटर और मैक्सवेल। ठीक है, यहाँ पर अगर जनरल मीडो को देखा जाए तो हालांकि इसने अभियान तो किए टीपू सुल्तान के खिलाफ, लेकिन ये अभियान ज़्यादा सही से नहीं चल पाए, इसको सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा चरण शुरू हुआ, ये दूसरा चरण दिसंबर 1790 से शुरू होता है, और दिसंबर 1790 से शुरू होकर ये आगे तक चलता चला जाएगा। सेकंड पार्ट इसका शुरू हो रहा है। ये इसमें क्या हुआ, तो जो कॉर्नवालिस था इसने सबसे पहले अपने अभियान को शुरू किया, और अपने अभियान को शुरू करके इसने वेल्लूर और अम्बूर क्षेत्र पर जो मैसूर में पड़ते हैं इन पर अधिकार कर लिया। अब कॉर्नवालिस आगे चलता चला जा रहा था और श्री रंगपट्टनम जो मैसूर की राजधानी थी इस पर अपने अधिकार की सोच रहा था, परंतु ये जब सेना लेकर पहुंचा तो उस समय पर बरसात के दिन आ गए, जिससे कि यहाँ पर इसकी सेना अधिक लंबे समय तक नहीं टिक पाई, और अपने इसको इस वाक्य को जो मैं श्री रंगपट्टनम पर अधिकार करेंगे इसने कोल्ड ऑफ किया, और इसकी सेना ये वापस चली गई। लेकिन यहाँ पर कॉर्नवालिस बिल्कुल जीत के नज़दीक था, और इसको लग रहा था कि टीपू सुल्तान की जो ताकत है वो कम हो रही है, इसलिए कॉर्नवालिस ने अगले तीसरे चरण को
चलाया तथा इसको आगे बढ़ाया और इसमें मिंडो, स्टुअर्ट लेटर, हंटर और मैक्सवेल जैसे जर्नल को इसमें शामिल किया गया और इन चारों ने मिलकर श्रीरंगपट्टनम अर्थात टीपू की राजधानी पर हमला किया और हमला करके टीपू को यहाँ पर हराने की कोशिश की। ठीक है, जब यहाँ पर टीपू ने बहादुरी से इसका सामना किया, लेकिन टीपू की भी कोई सामरिक शक्ति ज़्यादातर महत्व नहीं रखती थी, अंततः उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 में एक संधि होती है जिसको हम द ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कहते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसमें क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर इलाके के लिए या फिर टीपू सुल्तान के लिए सबसे ज्यादा विध्वंसकारी संधि के रूप में उभर कर आई। श्रीरंगपट्टनम की संधि में कहा गया कि जो मैसूर राज्य है उसके दो हिस्से हो जाएंगे तथा जो आधा हिस्सा है उस आधे हिस्से में से मराठाओं को, हैदराबाद के निजाम को तथा अंग्रेजों को इस हिस्से में भागीदारी बनाया जाएगा, अर्थात मैसूर राज्य के दो हिस्से हो जाएंगे, उसमें से एक हिस्सा टीपू सुल्तान के पास रहेगा परंतु जो आधा हिस्सा है वो मराठा, हैदराबाद के निजाम तथा ब्रिटिशों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तथा यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि पूरे युद्ध में यहाँ पर खर्चे हो रहे हैं पिछले वाले में भी इस वाले में भी, तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि में है जो टीपू सुल्तान है वो अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए का हर्जाना देगा तथा अपने दो बेटे अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर रखेगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, अब देख रहे हो कि दो बेटे अपने बंधक बनाए हैं, मैसूर राज्य को दिया गया है अंग्रेजों, मराठाओं और हैदराबाद को, और 3 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया गया है, अर्थात यहाँ पर आर्थिक चोट भी लगी है, राजनीतिक चोट भी लगी है तथा यहाँ पर अगर देखा जाए तो सामाजिक जो ढांचा बना हुआ उसके आधार पर भी चोट लगी है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तीनों आघात करती थी टीपू सुल्तान के ऊपर, इसलिए ये संधि ज़्यादा अंतिम समय तक टिकी नहीं रह सकती थी। इसलिए यहाँ पर, क्योंकि थर्ड मैसूर, अंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, परंतु मैं तो कहता हूँ कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का परिणाम ही चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध अर्थात 4th Anglo-Mysore वॉर होगा, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि इसको आघात पहुँचा रही थी और ये बहादुर व्यक्ति यहाँ पर इसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। ठीक है, तो जैसा कि आपने श्रीरंगपट्टनम की संधि को देखा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर 4th Anglo-Mysore युद्ध पढ़ेंगे जो मार्च से मई तक ही चलेगा, 1799 में मार्च से मई तक ही चलेगा, परंतु जितना भी चला उसमें टीपू सुल्तान की बहादुरी की चर्चाएं अनेक चलती रही। मार्च से कहां तक, तो मई तक, यहां पर एक बार फिर से टीपू सुल्तान की, क्योंकि स्थिति जो है खराब होती चली जा रही थी, ऊपर से संधि का बोझ इसके ऊपर पड़ा हुआ था, तो अंग्रेजों ने एक बार फिर से सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, टीपू सुल्तान को पूरी तरह से यहां पर खत्म किया जाए और मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया जाए। हालांकि टीपू सुल्तान ने इससे पहले अत्यंत कार्य भी किए, इसने कस्तुनिया प्लस अफगान प्लस मॉरिशियस के राजाओं से संपर्क साधने की कोशिश की तथा ये सब एकजुट हो जाएं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ऐसा इन्होंने सोचा, परंतु ये हो ना सका। आखिरकार यहाँ पर हैरिस, स्टुअर्ट तथा वेलेसली ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, मैं लिख देता हूं, मैसूर की राजधानी श्री रंगपट्टनम पर इन्होंने आक्रमण किया तथा आक्रमण करने के बाद यहां पर अपने किले की रक्षा करने तक रक्षा की यहां पर
टीपू सुल्तान ने 15 दिन तक तथा अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ता हुआ मई 1799 में यहाँ पर टीपू सुल्तान शहीद हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। और टीपू सुल्तान जैसे ही शहीद हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा पराक्रमी या दूरदर्शी राजा नहीं आया जो टीपू सुल्तान और हैदर अली जितना पराक्रमी या दूरदर्शी हो, जिसके कारण मैसूर धीरे धीरे यहाँ पर सत्ता परिवर्तन या फिर आप लोग ट्रांसफ़र देख रहे हो सत्ता का, मैसूर के नवाब या राजा के हाथों से सत्ता फिसल कर किसके हाथ में चली गई है, आंग्लियांग के अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, पिछली बार हम बंगाल देख के आ चुके थे, इस बार हम लोगों ने मैसूर देखा, और अगली कड़ी में हम लोग मराठाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि मराठा किस प्रकार से यहाँ पर युद्धों की कड़ी को हारते हैं तथा आगे उनका भी वर्चस्व समाप्त हो जाता है। चलिए भैया, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि यहां पर मराठा शक्ति किस प्रकार से हारी है। आप लोगों ने मराठा शक्ति को पढ़ा होगा शिवाजी के समय पर, हालांकि मैं शिवाजी नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं मराठा शक्ति का पतन बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि 1857 की क्रांति में जब नाना साहेब क्रांति करेंगे तो हमको समझना पड़ेगा कि वे क्यों क्रांति कर रहे थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वे क्रांति में भाग लेने जा रहे हैं, तथा आदि चीज़ों को हम वहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पर क्योंकि केवल पतन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अब पतन के बारे में चर्चा करते हैं। यह है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अच्छा, ये केवल प्रिलिज्म जो आपके प्री है, जो आपके प्रथम परीक्षाएं हैं प्रिलिज्म, उसी के लिए यहाँ पर ही आप लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा इतना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोगों का ज़्यादातर है कि ये किस प्रकार से चल रहे हैं तथा आगे बढ़कर किस प्रकार से इनका पतन हो रहा है। हालांकि मैं विद्रोह भी आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि 1857 की क्रांति के से आप विद्रोह से पहले जो अनेक अनेक विद्रोह हो रहे थे, उन विद्रोहों को हम लोग कैसे देखते हैं और किस प्रकार से हम लोग उसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी मैं केवल यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ फैक्ट्स की, जो मैं अगली क्लास आपके 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं बार बार क्रांति या विद्रोह क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अगली क्लास आपके 1857 की पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि क्रांति और विद्रोह में प्रमुख अंतर क्या है। तो अभी केवल हम पतन देखेंगे, उसके बाद विद्रोह देखेंगे, विद्रोह के कुछ फैक्ट्स को हम लोग याद करेंगे, लेकिन अंततः अगली क्लास में जब हम जाएंगे तो उन विद्रोहों का उदय कैसे हुआ, ये प्रमुख क्वेश्चंस बनेंगे। यहां पर हम लोग मराठाओं के पतन को दिखाने जा रहे हैं, और यहां पर फर्स्ट आंग्ल मराठा वॉर होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो 1775 से 82 तक यह युद्ध हुआ है। ऐसा हुआ 1772 में माधव राव की मृत्यु हो गई। अब आप सभी जानते हो कि जब शिवाजी थे तो यहां पर जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न काम करते थे, ऐसे ही यहां पर अष्टप्रधान काम करते थे शिवाजी के टाइम पर। अष्टप्रधान आगे चलकर ये राजा राम यहाँ पर आएंगे तो ये ही नव प्रधान बन जाएंगे, यानी कि नौ हो जाएंगे यहाँ पर टोटल अधिकारी। और अष्ट प्रधान में पेशवा नाम का एक अधिकारी होता था जिसको आप संज्ञा दे सकते हो प्रधानमंत्री की। तो यहाँ पर पेशवाई के ऊपर सवाल उठ गया, क्योंकि माधव राव के 1772 में मृत्यु हुई, अर्थात यहाँ पर अब कौन पेशवा बनेगा इसकी चर्चा जोरों पर थी। अब पेशवा बनेगा कौन और बनना कौन चाहता है, इन दोनों में अंतर था, क्योंकि जब बनना चाहता की बारी आई तो यहां पर रघुनाथ राव जो हैं ये पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन
जैसे कि हमारे इतिहास में चलता हुआ आएगा कि माधव राव की मृत्यु हुई है तो माधव राव के बाद इनका पुत्र यानी इनके इनका लड़का ही पेशवा की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। हालांकि ऐसा ही हुआ भी, इनके बाद इनका एक पुत्र गद्दी पर बैठा, माधव राव का पुत्र जिसका नाम था नारायण राव। परंतु नारायण राव भी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर टिक नहीं सका और नारायण राव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इन्होंने अपने पुत्र यानी गंगाबाई के पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया। नारायण राव, अब माधव राव का पुत्र नारायण राव पेशवा बना है, लेकिन ये भी लंबे समय तक पेशवा नहीं रह सका क्योंकि इसका चाचा जो था यानी कि रघुनाथ राव, ये यहाँ पर पेशवा बनना चाहता था, परंतु ऐसा हो ना सका, इसलिए नारायण राव की मृत्यु हुई। षड्यंत्र हुए, नारायण राव की मृत्यु हुई। और नारायण राव की जब मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी का नाम था गंगाबाई। अब गंगाबाई और नारायण राव का पुत्र यहां पर पेशवा बना, लेकिन उसके बावजूद भी रघुनाथ राव को गद्दी या पेशवा का पद नहीं प्राप्त हुआ। अब रघुनाथ राव को पेशवा का पद नहीं प्राप्त हुआ तो अंततः रघुनाथ राव ने सोचा, मैंने यहां पर संघर्ष तो खुद कर के देख लिया, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इसमें अंग्रेजों को भी शामिल कर लिया जाए। इसलिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की, जिसको हम लोग सूरत की संधि कहते हैं। अब ये सब कुछ फर्स्ट ऑंग्ल जो मराठा जो युद्ध हो रहा है उससे पहले की बात मैं आपको कर रहा हूं। ठीक है, इस सूरत की संधि में क्या हुआ? तो इस सूरत की संधि में 1775 में की गई है, अंग्रेजों ने यह कहा कि आप हमको सूरत का वर्चस्व देंगे तथा इसके बदले हम आपको 2500 सैनिक अंग्रेजी टुकड़ियों के देंगे, ब्रिटिश आर्मी देंगे, जिसमें कितने सैनिक होंगे, 2500 सैनिक होंगे, इन्हें आप यूज कर सकते हो नारायण राव या फिर उसके परिवार को हटाने के लिए तथा पेशवा की गद्दी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यहां पर ऐसा चल रहा था, लेकिन इसी के बाद यहां पर क्या शुरू हुआ, मराठाओं के नेतृत्व महाजी सिंधिया ने किया और आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब मराठाओं के नेतृत्व जब महादजी सिंधिया ने किया था तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के किया होगा, परंतु जनवरी 1779 में आत्मसमर्पण करके वड़गांव की संधि इन्होंने बॉम्बे अंग्रेजों तथा 1775 में हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है, अर्थात मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर 1779 में इन्होंने वड़गांव की संधि की और संधि करके बॉम्बे सरकार को अंग्रेजों तथा 1775 में हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ना इनको पड़ गया। इसी समय जनरल वैरन हेस्टिंग फिर से यहाँ पर काम आया और अंग्रेजों ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। अब बताइए, जब अंग्रेजों ने संधि को मानने से इनकार कर दिया है तो मराठाओं ने जो संधि करवाई थी कि जो बॉम्बे सरकार है उसको आप छोड़ दोगे तथा अन्य क्षेत्र जो आपने मराठाओं के जीते हैं वो सब छोड़ दोगे, लेकिन जनरल वैरन हेस्टिंग ने संधि को मानने से अस्वीकार कर दिया है, तो इसका मतलब ये निकला कि युद्ध और संघर्ष की नीति आगे बढ़ रही है। और युद्ध और संघर्ष की नीति जब आगे बढ़ी तो वैरन हेस्टिंग ने एक टुकड़ी को तैयार किया और एक टुकड़ी को तैयार करके मराठाओं पर आक्रमण करने के लिए कहा गया, और यहाँ पर इस टुकड़ी ने मराठाओं को हराया तथा हराने के बाद यहाँ पर एक संधि हुई जिसको हम सालबाई की संधि 1782 कहते हैं। देखिए, सूरत की संधि अलग है, सालबाई की संधि अलग है। इस युद्ध का परिणाम सालबाई की संधि निकली। इस संधि में क्या कहा गया, सालबाई की संधि में, यहां पर इस संधि में यह कहा गया है कि सबसे पहले आप पेशवा की गद्दी पर किसको बिठाएंगे, तो माधव राव को बिठाएंगे, तथा दूसरा यहां पर रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहते हैं उनकी पेंशन को मंजूरी दी जाएगी। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि
माधव राव जो हो गए वो करीबी हैं रघुनाथ राव के। तो रघुनाथ राव अब यहाँ पर पेशवा तो नहीं बन रहे परंतु पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं, तथा साथ में उनके करीबी माधव राव को पेशवा की गद्दी पर बिठाया जा रहा है, ठीक है। तथा आगे चलकर यही सालाबाई की संधि जो है, ये संधि पूर्णतः शांति का प्रतीक बन गई। और आगे चलकर हम जब देखेंगे तो 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, इससे पहले युद्ध नहीं होगा। इसमें कहा गया था इस संधि में आगे चलकर ये फिक्स कर दिया जाएगा कि आज से हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे एवं क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे। इसलिए जो अगला युद्ध हुआ ये 1803 से 1805 तक होता है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ 3 से 5 तक। तक हम इस युद्ध को देख सकते हैं। अब इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में अगर देखा जाए तो बेसिकली फिर से मराठाओं की गलती न होकर यहाँ पर अंग्रेजों की गलती अत्यधिक निकली। इसी समय नाना फडणवीस की मृत्यु हुई 1800 में, और मृत्यु होने के बाद जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उनको लगने लगा कि अगर मैं फूट डालूंगा अपने परिवार में तो शायद राज्य अधिक समय तक कर सकूंगा। और यहां पर दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर, मैं लिख देता हूं, जसवंत राव होलकर, इन दोनों में अपने अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। और इस समय पेशवा का पद किसके पास था, तो बाजीराव सेकंड के पास। देखिए बाजीराव प्रथम नहीं है, जिसको आपने मूवी देखा होगा बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव मस्तानी जो है बाजीराव प्रथम के ऊपर बनाई गई है। बाजीराव प्रथम तो ऐसा कहा जाता था कि बाजीराव प्रथम जब अपने घोड़े से भाला फेंक कर मारते थे तो इतनी पावरफुल आदमी थे बाजीराव प्रथम कि भाला लगने वाला व्यक्ति भी दूर गिरता था, जिस घोड़े पर वे बैठ मतलब जिसके भाला लगा है, जिस घोड़े पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था, वो घोड़ा भी दूर जाकर कहीं गिरता था। ये बाजीराव सेकंड है, बड़ा बेकार पेशवा निकला यहाँ पर, कोई दूरदर्शिता का अभाव था पूरी तरह से। तो यहां पर जब नाना फडणवीस की मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु के बाद पेशवा ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, अपने वर्चस्व को बढ़ाया जाए और परिवार में थोड़ा सा फूट डाला जाए। तो इधर दौलत राम सिंधिया और जसवंत राव होलकर आपस में एक दूसरे से बनाकर नहीं रखते थे, इनमें अलग ही प्रतिद्वंदिता चलती थी। पेशवा ने क्या काम किया, जसवंत राव होलकर के भाई विठल जी की हत्या करवा दी। अब जैसे ही विट्ठल जी यानी जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या हुई तो इनको बड़ा बुरा लगा, बड़ा क्रोध आया। तो उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, पूना पर अधिकार कर लिया। अब पूना पर जैसे ही अधिकार किया तो बाजीराव जो सेकंड है ये अपनी पेशवाई को छोड़ा और एकदम भागकर बेसिन पहुंचा। और बेसिन में इसने 1802 में अंग्रेजों से एक संधि की जिसका नाम बेसिन की संधि पड़ता है। यहाँ पर अंग्रेजों से क्योंकि संधि की है इसने बेसिन की, तो आगे चलकर वेलेजली ने यहाँ पर एक सेना भेजी और सेना भेजकर पुणे को दोबारा से मुक्त करवा लिया गया। और इस बेसिन की संधि में क्या था, तो यहाँ पर यही था कि जो निजामत होगी वो किसके पास होगी, तो पेशवा के पास होगी, बाकी के अधिकार अंग्रेजों के पास होंगे। तथा यहाँ पर अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार करना पड़ेगा, अंग्रेजी पैदल सैनिकों को पूना रखना स्वीकार करना पड़ेगा, साथ ही साथ में कंपनी को सूरत नगर दे देना पड़ेगा, ये इस संधि में कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस संधि, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो इस युद्ध का परिणाम हुआ बेसिन की संधि।
आप लोग हिंदी भाषा पढ़ते होंगे तो आप लोग पाते होंगे कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो बाजीराव सेकंड ने सेम पेशवा ने यही काम किया इस युद्ध में, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और पहले तो अपने आप फूट डलवाई है, युद्ध करवाया है और फिर उसके साथ ही अंग्रेजों को आमंत्रित किया कि आप आओ और हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करो। तो अंग्रेजों ने इसका खूब भरसक फायदा उठाया और 1805 में बेसिन संधि कर डाली। ठीक है, अब उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, सॉरी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तृतीय। यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1819 के बीच में। यह आपके प्रथम परीक्षा के लिए UBPCS के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को देखूं जो 1817 से 1819 के बीच चला, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ दौलतराम सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहेब और मल्हार राव होलकर थे, द्वितीय थे, परंतु ये दोनों भी अपनी शक्ति को संगठित नहीं कर चुके। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तक आते आते जो मराठा शक्ति थी वो कमजोर क्षीण हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों के दोनों अंग्रेजों से परास्त हुए तथा परास्त होने के बाद यहीं पर ही मराठा शक्ति जो है उसका पतन निश्चित हो गया तथा पूर्णतः अंग्रेजों ने इसमें अपना अधिकार बना लिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने तीन आंग्ल मराठा युद्ध देखे, मराठा शक्ति के वर्चस्वहीनता को देखा तथा साथ ही साथ में आपने मैसूर को भी देखा, किस प्रकार से मैसूर अंग्रेजों के हैदर अली और टीपू सुल्तान के हाथ से निकल गया। इसी प्रकार आपने मराठाओं में देखा कि आपसी कलह घर की किस प्रकार से विनाश करती है, किसी साम्राज्य को जन्म देती है, नए साम्राज्यवाद का उदय करती है। यहाँ पर हम सब लोग ये देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि विद्रोह किस प्रकार से हुए तथा हम विद्रोह जब पढ़ेंगे तो विद्रोह में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ये विद्रोह का नाम क्या है, ये कब हुआ, इसके प्रमुख नेता कौन थे और स्थान क्या था और होने का कारण क्या था। ये हमारे 4-5 पॉइंट रहेंगे प्री से रिलेटेड, क्योंकि प्री से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, जैसे कि सन्यासी विद्रोह आपको दे देगा, कोल विद्रोह दे देगा, नील विद्रोह देगा आपको, सपोज कीजिए ये 3 विद्रोह उसने दिए और इधर आपसे वर्ष पूछ लेगा, मैच करवाएगा, पूछे बता, आपको बताना होगा मैचिंग कौन सी सही है, ए बी के साथ, सी डी के साथ, या फिर आपको सीधा सीधा वर्ष दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सी मैचिंग गलत है। तो ये 2-3 क्वेश्चन प्री से रिलेटेड जो विद्रोह से रिलेटेड हैं वो आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम भी फोकस रखेंगे, क्योंकि प्री का पढ़ रहे हैं तो हम भी फोकस रखेंगे कि विद्रोह में 4-5 बातों को हम लोग याद कर सके, जिससे हम लोग मैचिंग वहाँ पर ढंग से बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालते हैं मेजर इंडियन रिवोल्ट्स। भारत में कुछ प्रमुख विद्रोह, ठीक है, और सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं तो मुझे ध्यान आता है सबसे पहले सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 तक।
कहाँ पर हो रहा था ये? तो ये जो सन्यासी विद्रोह था ये बेसिकली बंगाल में हो रहा था। इसके होने का प्रमुख कारण अगर मैं देखूं तो इसके होने का प्रमुख कारण अत्यंत मिलते हैं। वैसे कि सबसे पहले क्योंकि आप लोगों को नाम से ही दिखाई दे रहा होगा कि सन्यासी विद्रोह है, अर्थात धर्म से कुछ जुड़ा हुआ होगा, तो सन्यासी विद्रोह होने का कारण यह था कि अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने हिंदू एवं मुस्लिम जो तीर्थ स्थान है उन पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। अब क्योंकि यह पूरी तरह से धार्मिक भावना का विषय हो गया, अब धार्मिक भावना का विषय हो गया, इसलिए यहां पर एक व्यक्ति व्यक्ति क्या महिलाओं का यहां पर बड़ा योगदान है, देवी चौधराइन महिला है जो यहां पर विद्रोह में भाग लेती हैं। तो यहां पर एक गुट तैयार हुआ और इन्होंने एक विद्रोह किया। 1770 से 1720 तक चला, काफ़ी लंबा चला है। वेरी नेस्टिंग जब आए आगे चलकर तो इन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो मंजूशाह और देवी चौधराइन यहां पर ये दो प्रमुख नेता थे, लीडर थे, जो यहां पर इसके प्रमुख सरोकार बने, अर्थात नेतृत्वकर्ता बने। हालांकि इसी विद्रोह को, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आ रहे हैं, इसलिए इसी विद्रोह को कभी कभी फकीर विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? तो फकीर विद्रोह हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हो कि मैं किस किस बात को पॉइंट ऑफ कर रहा हूं। प्री के लिए एक तो सन्यासी विद्रोह नाम कब हुआ, 1770 से 1720 तक कहाँ हुआ, तो बंगाल में हुआ। क्यों हुआ? हिंदू मुस्लिम तीर्थ स्थान जाने पर प्रतिबंध लगाया, इसलिए हुआ। नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मंजूशाह और देवी चौधरानी। और इस विद्रोह को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? तो फकीर विद्रोह के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। यहां पर मैं जब आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं तो बेसिकली विद्रोह को मैं तीन हिस्सों में बांट देता हूं। पहले विद्रोह जन विद्रोह कहलाएंगे, दूसरे विद्रोह किसान के नाम से जाने जाएंगे, और तीसरे विद्रोह यहां पर जनजातीय विद्रोह, ट्राइबल्स रिवोल्ट जो है उनके हम देखेंगे। तीन विद्रोह यहां पर बेसिकली मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं। हालांकि आगे देखेंगे तो पाइक विद्रोह के नाम से एक नया आएगा। पाइक विद्रोह देखते हैं 1817 से 1825 तक। अब पाइक क्या है? पाइक एक जाति है, और कहां पर पाई जाती है? तो उड़ीसा में, ठीक है। यहां पर हुआ क्या इसी समय? तो यहां पर राजा द्वारा सैनिकों को कार्य करने के लिए एक जमीन आवंटित की जाती थी मुफ्त में, जो सैन्य कार्यों के लिए यूज हुआ करती थी। अंग्रेजों ने इस जमीन आवंटन पर रोक लगा दी। किस पर रोक लगाई? तो जमीन आवंटन, लैंड एलोकेशन, इस पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है, जिस कारण यहां का जो समाज था वो भड़क उठा। अच्छा, ये पाइक जाति क्यों भड़की? क्योंकि ये लोग यहां पर सैनिक के रूप में अत्यधिक कार्य किया करते थे। अब जैसे ही यहां पर पाइक विद्रोह, जब पाइक जाति भड़की तो यहां पर एक विद्रोह हुआ जिसको हम पाइक विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इसके प्रमुख नेता जो थे उनका नाम था बख्शी जगबंधु विद्यासागर।
बख्शी जग बंधु विद्यासागर जो थे इसकी प्रमुख नेता के रूप में उभर कर आए। अब प्री के लिए पाइक विद्रोह कब हुआ? 1857 से 1825 तक हुआ। कहाँ पर हुआ? तो उड़ीसा के क्षेत्र में। क्यों हुआ? जमीन आवंटन पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक थे वो पाइक जाति के थे और इनको राजा जो है यहाँ पर मुफ्त में जमीन दिया करता था ताकि सैनिक कार्य अच्छी तरह प्रकार से कर पाए, लेकिन इस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। और इसका नेतृत्व किसने किया? तो बख्शी जगबंधु विद्यासागर ने किया। हालांकि जिनका मैं परिणाम नहीं, रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ, अर्थात मैं विद्रोह 1825 तक, क्योंकि मैं लास्ट लिखा हूँ उसको, तो 1825 तक आते आते इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, इस विद्रोह का उत्पन्न होने का कारण मैं अगली क्लास में आप लोगों से चर्चा करूंगा। 1857 की क्रांति जैसे ही या फिर विद्रोह जैसे ही आएगा तो मैं वहां पर उससे पहले एक बड़ी वाइड चर्चा हम लोग करेंगे कि एक घंटे तक लगभग हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि विद्रोह उत्पन्न क्यों हो रहे हैं तथा इसका कारण क्या है। क्योंकि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बेसिकली कि आप लोग कितनी समझ डेवलप कर पाए हो इतिहास की, कि इतिहास को किस प्रकार से समझना है आप लोगों को। इसलिए मैं यहाँ पर केवल फैक्ट्स की चर्चा कर रहा हूँ कि फैक्ट में किस प्रकार से आप लोगों को दे पाऊँ, क्योंकि प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट्स तो। लेकिन हम लोग चर्चा दूसरी भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी रुकूंगा मैं, क्योंकि मैं आपकी नॉलेज को गेन देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लास हो चली है तो इसलिए आप कहाँ तक सीखे हो इतिहास को, तो हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अगला है अहोम विद्रोह। अब फिर से वही हम लोग देखेंगे कि कब हुआ, कहां पर हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे। 28 से 33 तक चलता है, 1828 से 1833 तक। यहां पर अगर देखें तो अंग्रेजों का राज हो चला था उत्तरी असम तक, तो अर्थात यहां पर अंग्रेजों का राज हो चला उत्तरी असम तक। तो उसके बाद यहां का जो राजा थे वे अहोम राजवंश से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन यहां पर असम में जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग राजगद्दी को छोड़कर चले जाइए, अर्थात इन्हें राजशाही से निष्कासित करने का प्रयास किया। अब जब राजशाही से निष्कासित करने का प्रयास किया इनको, तो इन्होंने यहां पर आम जनता के सहारे से एक विद्रोह को उत्पन्न किया, इसीलिए हम इसको अहोम विद्रोह जानते हैं। ठीक है, ये विद्रोह भयानक विद्रोह था, लूटपाट पर विचार रखते थे विद्रोह के रूप में। और क्योंकि यहाँ पर ये जो विद्रोह उत्पन्न हो रहा है राजा की सहायता से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका जो नेतृत्व किया है वो गोमधर कुंवर ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों हुआ? तो निष्कासन के कारण हुआ, असम में हुआ, गोमधर कुंवर इसका नेतृत्व कर रहे थे, 1828 से 1833 के बीच हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे आता है एक फरोजी या फराजी विद्रोह 1838 से। यहाँ पर ये 1838 से हो रहा है बच्चों, और 1857 तक होगा। अगर इस विद्रोह की चर्चा करें तो ये हो कहाँ रहा था? तो बंगाल में हो रहा था, तथा बंगाल में क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर एक नई व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था का उत्पन्न हो रही थी, तथा जमींदार यहाँ पर व्यक्तियों से या फिर आम लोगों से अत्यंत कर वसूल कर रहे थे जिससे वे अंग्रेजों को दे सकें। इसी से ही परेशान होकर यहाँ पर एक विद्रोह को शुरुआत की गई जिसका नाम फराजी या फिरोजी विद्रोह रखा। इसकी शुरुआत किसने की? तो सरियतुल्ला ने इसकी शुरुआत की, तथा इसका प्रचार प्रसार किसने किया? तो इसके पुत्र मोहम्मद मोहसिन ने इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर दो बड़े अत्यंत चीज़ें याद रखनी हैं, पहले तो शरीयतुल्ला और मोहम्मद मोहसिन।
सूत्रपात नेतृत्वकर्ता में ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सूत्रपात किया और इसका प्रचार प्रसार लोगों में जनसाधारण तक किसने पहुँचाया, तो मोहम्मद मोहसिन ने इस आंदोलन को या इस विद्रोह को जन आंदोलन तक पहुँचाया। अगला है गडकरी विद्रोह 1814 तक। गडकरी महाराष्ट्र, ये क्यों हुआ? अब यहां पर जो गडकरी विद्रोह को देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह एक विद्रोह शुरू हुआ। और ये हुआ क्यों? क्योंकि मराठाओं के यहां पर ये सैनिक थे जो वंशानुग्रत यहां पर कार्य किया करते थे, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी जब सरकार आई तो इन्होंने यहां पर चोट पहुंची, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था, तो इस बीच में इनको यहां पर चोट पहुंची और इन्होंने विद्रोह को खड़ा कर दिया, जिसको हम लोग गडकरी विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इसके प्रमुख नेता दाजी कृष्ण पंडित थे। किनके नेतृत्व में चला? तो दाजी कृष्ण पंडित और कोल्हापुर महाराष्ट्र। आप लोग सभी जानते हो कि कोल्हापुरी चप्पल जो है उसको GI टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडक्शन का टैग मिला हुआ है। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। अगला है यहाँ पर कित्तूर चिनम्मा विद्रोह। अब ये क्यों हुआ? 1824 से 1829। यहाँ पर ऐसा हुआ कि चिनम्मा जी के जो पति थे उनकी डेथ हुई, तथा डेथ होने के बाद चिनम्मा ने अपने लड़के को उत्तराधिकारी बनाया, परंतु अंग्रेजों ने चिनम्मा के लड़के को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। और जैसे ही उत्तराधिकारी मानने से मना किया तो यहाँ पर एक विद्रोह हुआ चिनम्मा देवी के नेतृत्व में ही, जिसको हम लोग चिनम्मा विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1824 से 1829 तक के बीच में यह विद्रोह हम देख सकते हैं, परंतु 1829 में यह विद्रोह को दबा दिया गया। अब मैंने एक नाम बोला था कित्तूर, यह कर्नाटक में पड़ता है, इसलिए यह युद्ध यह विद्रोह कहां पर हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। आगे देखिए कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक। अब ये कोल विद्रोह क्या था? अच्छा, कोल क्या होता है? तो कोल बेसिकली एक जनजाति है। अब ये किससे मिलकर बनती है जनजाति? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओरोव, ओहो, महाली आदि जनजाति जो निवास करती है वहाँ के इन सब लोगों को मिला दे तो मैदानी लोग कोल कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो बेसिकली एक जनजाति है जो मुंडा, आरोव, ओहो, महाली आदि जनजातियों से मिलकर बनती है। यहाँ पर 1831 में इसका शुरुआत हुई छोटा नागपुर के पठार से, तथा इसके प्रमुख नेता बुद्धो भगत बने। अब इसका शुरुआत हुआ क्यों था? सॉरी बच्चों, अब इसका शुरुआत हुआ क्यों था? क्योंकि आगे चलकर यह आर्थिक एवं राजनीतिक विद्रोह के रूप में पनप जाएगा। इसमें ठेकेदार और जमींदार भू राजस्व कर बढ़ाना चाह रहे थे, परंतु यहाँ पर एक इनका अलग से कर चलता था और इसको इस कर को मना ही कर दिया गया था, अर्थात इनकी संस्कृति खतरे में थी। इसलिए यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ, क्योंकि जमींदार और जो ठेकेदार थे ये अपना वर्चस्व यहाँ पर जमाना चाह रहे थे, परंतु ऐसा हो न सका। इस वजह से यहाँ पर विद्रोह
उत्पन्न हो गया। ठीक है, आगे चलकर एक नील का विद्रोह आप लोगों को देखने को मिलेगा 1859 से 1860 तक, लेकिन ये 1857 की क्रांति के बाद हो रहा है, तो हम लोग नील के विद्रोह पर भी चर्चा करेंगे लेकिन 1857 क्रांति के बाद करेंगे। किसान विद्रोह हैं ज़्यादातर 1857 क्रांति के बाद हुए, तो हम लोग देखेंगे कि वो ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है, तो ये हमने कुछ मेजर रिवोल्ट्स के बारे में चर्चाएं की, तथा साथ ही साथ में हम लोगों ने मैसूर देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों के अधीन चला गया, फिर हमने मराठा देखे कि किस प्रकार उनका वर्चस्व समाप्त हो गया। हालांकि ये सारे विद्रोह नहीं हैं, आप लोगों को एक लिस्ट भेज दी जाएगी जिसमें ये प्रमुख विद्रोह के रूप में लिखे हुए होंगे, उनको आप लोग वहाँ से याद कर सकते हो। मैं अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करूँगा, मैं फिर बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि प्री के लेवल का है, तो प्री के लेवल में आपको कुछ विद्रोह कुछ इस प्रकार से याद करने हैं कि कब हुए, कहाँ हुए और कौन इनमें प्रमुख नेता था, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि विद्रोह कभी भी ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो जाते, उसके पीछे अत्यंत कुछ कारक, बाह्य कारक कार्य करते हैं। अगली क्लास में जब मैं चर्चा करूंगा तो मैं आपके बाह्य कारकों के बारे में समझाऊंगा कि जो बाह्य कारक थे वो किस प्रकार यहां पर कार्य कर रहे थे, तथा किस प्रकार उससे जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन परिवर्तित अर्थात बदल रही थी। तो अगली क्लास में जब बच्चों मिलेंगे तो हम बाह्य कारकों के बारे में चर्चा करेंगे तथा स्थिति के परिवर्तन को देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे।